नाउ तो आप लोग फॉर्म भी फिल करते रहिए, और यहां पे देखिए, अरे नाउ आज आपको पता चलेगा कि होस्ट स्ट्रिंग कैसे हम डालते हैं। ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, आपने यूज किया, आपने रन किया एसक्यूएल प्लस। ठीक है, एसक्यूएल प्लस जैसे आप इंस्टॉल रन करते हो, नाउ तो यहां पे एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे और कुछ चीजों को देखेंगे कि कैसे यूजर्स एंड प्रिविलेजेस को मैनेज करते हैं हम। ठीक है, एप्लीकेशन साइड से जब भी हम कोई एप्लीकेशन यूजर होता है तो वो एक यूजर नेम पासवर्ड उसको चाहिए डेटाबेस से लॉग इन करने के लिए। ठीक है, सेम यूजर नेम पासवर्ड आप क्या यूज करते हो, स्कॉट टाइगर, और आप यहां पे अभी तक इंटरफेस करते थे। नाउ ये आ गया डीबी एक्टिविटी, एक एप्लीकेशन यूजर लॉग इन करना चाहता है लेकिन उसको ये एरर मिल रही है। ठीक है, टीएनएस प्रोटोकॉल एडाप्टर एरर। नाउ अब हम देखेंगे कि इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम्स तब आती है जब बैकेंड में आपका डेटाबेस नहीं रन हो रहा है। ठीक है, बैकेंड में आपका डेटाबेस अगर रनिंग में पीरियड में नहीं है तो ऐसे एरर्स आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसके सर्विसेज चलते हैं या नहीं चल रहे हैं, सर्वर पे ओरेकल के सर्विसेज चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। ट्रिगर्स क्या हो जाएगा ना कि वो प्रोग्रामिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं सोच रहा था कि यूजर्स जो मोस्टली पॉपुलर है कि कोई भी जब भी फॉर्म्स आप इंट्रैक्शन होता है तो आप यूजर नेम पासवर्ड देते हो, लॉग इन करते हो, उसको कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, इसको खींचना है। ओके ओके, एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम है इसको कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, जो अभी लॉगिन हमने किया लेकिन लॉगिन नहीं हो पाया हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको पहले सेट आउट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो उसकी एक सर्विस होती है। ठीक है, उसकी एक सर्विस होती है जो कि services.msc, आप रन में जाकर services.msc अगर आप रन करोगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन होगा जहां पे आप सारे ओरेकल के सर्विसेज को देख सकती हो। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ओरेकल का डेटाबेस सर्विस रन हो रहा है या नहीं रन हो रहा है। ठीक है, नाउ ओरेकल सर्विस टेस्ट नाम का हमारा इसके ऊपर एक डेटाबेस है इंस्टॉल्ड। ठीक है, टेस्ट नाम का डेटाबेस इंस्टॉल है और यहां पे जो सर्विसेज होंगी ओरेकल सर्विस टेस्ट, और सामने स्टेटस हमें दिखा रहा है कि स्टार्टेड है। ठीक है, अगर आप जैसे मान लो कि सर्वर पे उतना रैम नहीं है, या आपके लिए मैं बता रहा हूं, सर्वर्स के लिए नहीं बता रहा हूं, आपके लिए बता रहा हूं कि आपके डेस्कटॉप पे आपने ओरेकल इंस्टॉल किया और काफी स्लो हो गया आपका सर्वर, आपका डेस्कटॉप बहुत ही स्लो हो गया, आपका लैपटॉप बहुत ही स्लो हो गया, परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहां पे इस सर्विस को मैनुअल कर सकते हो। ठीक है,
आप प्रॉपर्टीज में क्लिक करोगे तो यहां पे स्टार्टअप टाइप में आपको तीन वैल्यूज मिलेंगे, यहां पे ऑटोमेटिक, मैनुअल एंड डिसेबल। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, मैनुअल कर सकते हो, सो दैट कि आपका नेक्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली इसके सर्विसेज स्टार्ट नहीं होंगे, आपको मैनुअली आकर स्टार्ट करना होगा। क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है तो ये आपके मशीन का, आपके रैम का 40% ऑक्यूपाई कर लेता है। बाय डिफॉल्ट ओरेकल आपके रैम का 40% ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर आप विंडो 7 अब रन कर रहे हो और 1GB का अगर आपके पास रैम है तो बहुत ही स्लो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप यहां पे इसको मैनुअल कर सकते हो, सो दैट कि जब रिक्वायरमेंट होगी तो आप क्या करोगे, यहां पे अगर services.msc को ओपन करके आप इसको खुद से स्टार्ट करोगे, ठीक है। नाउ तो आपने देखा कि यहां पे ओरेकल सर्विस जो services.msc में हम गए तो वहां पे क्या था, हमारा सर्विसेज स्टार्टेड था ऑलरेडी। नाउ फिर भी हमारे पास स्टिल वही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका एक और सोल्यूशन हम कर सकते हैं, एक और तरीका है इसको हम चेक करने का कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो विंडो के अंदर जब भी आप ओरेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो एनवायरमेंट में ओरेकल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें बताना होता है कि ओरेकल का कौन से सर्विस को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ओरेकल के अंदर बहुत सारे सर्विसेज हैं, हमने देखा वहां पे लिस्ट में, उसमें से कौन से सर्विसेज को आप रन करना चाहते हो। अगर आपके सर्वर पे मोर देन 1 डेटाबेस चल रहा है तो यू हैव टू मैनुअली स्पेसिफाई कि आप किसको रन करना चाहते हो, ठीक है। तो हम यहां पे एक पैरामीटर सेट करेंगे, Oracle_SID में सिस्टम आइडेंटिफायर। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आप ओरेकल के किस डेटाबेस से लॉग इन करना चाहते हो, ठीक है। तो जो हमारा सर्विस है ओरेकल का, यहां पे टेस्ट नाम का डेटाबेस हमारा बना हुआ है, तो हमने यहां पे बताया कि टेस्ट नाम के डेटाबेस से हमें लॉगिन करना है, देन फाइनली ओके। आप ओरेकल को कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हो, एक SQL+W आपने देखा, जो विंडो व्हाइट कलर का विंडो आपको मिलता है, आप DOS prompt पे भी इसको एक्सेस कर सकते हो। सिंपली आप CMD कमांड दो, DOS prompt पे आ गए आप, देन यहां पे SQL+\nolog SQL+ क्या है, एक टूल है, है ना, एक टूल है, मैनेजमेंट सिस्टम। ओरेकल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट सिस्टम मींस कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स। कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है और टूल्स के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो उसमें से SQL+ हमारे पास टूल है जिसके थ्रू हम लॉगिन लेंगे, ठीक है। नो लॉग मींस आप लॉगिन अभी नहीं ले रहे हो, आप कोई यूजर नेम पासवर्ड स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ टूल्स को एग्जीक्यूट करोगे,
नाउ अब डेटाबेस के अंदर दो तरीके के यूजर होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर, एक नॉर्मल यूजर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर एंड एक नॉर्मल यूजर। नाउ तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर में सबसे टॉप लेवल पे सिस यूजर होता है, SYS सिस यूजर, जिसको फुल सिस डीबीए का प्रिविलेज होता है, सिस डीबीए सिस्टम का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिस यूजर जब भी लॉग इन करेगा तो आपको स्पेसिफाई करना होगा एज सिस डीबीए, ये वर्ड आपके सामने होने चाहिए एज सिस डीबीए। अदरवाइज अगर आप फिर से इसको कनेक्टिविटी करो, और इस बार हमने एज सिस डीबी हटा दिया, तो आपको एक एरर क्या मिल रहा है, कनेक्शन एज सिस शुड बी एज सिस डीबी और सिस ऊपर। ये दो प्रिविलेजेस होते हैं हाई लेवल के, जिसमें सिस डीबीए सबसे टॉप लेवल का होता है, देन उसके नीचे सिस ऊपर आता है, ठीक है, ऑपरेशनल वर्क करने के लिए। नाउ तो हमें एज ए सिस डीबीए लॉग इन लेना है, ये हम लॉग इन ले लिए, ठीक है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन कौन से यूजर हैं जो लॉग इन है मेरे डेटाबेस सर्वर पे, कौन कौन से यूजर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एक यूजर की एक एंट्री होती है डेटाबेस के अंदर, हर एक यूजर की एक एंट्री होती है, उसकी लिस्ट होती है जो डेटाबेस के अंदर मेंटेन होती है, और वहां से पता चलता है कि ऑनलाइन यानी कि रन टाइम में कौन सा यूजर लॉग इन है और कौन सा यूजर लॉग इन नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम डीबीए अंडरस्कोर यूजर्स। डीबीए अंडरस्कोर यूजर एक डेटा डिक्शनरी है, डेटा डिक्शनरी व्यू और डेटा डिक्शनरी टेबल भी बोल सकते हैं आप, जहां पे हर एक यूजर की एंट्री होती है, जो भी यूजर डेटाबेस में है एग्जिस्ट कर रहा है उस यूजर की एंट्री डीबीए अंडरस्कोर यूजर्स के अंदर होती है, ठीक है। तो हम वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से यूजर्स हमारे पास है अभी, एंटर, ये सारे यूजर का लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। अब इन यूजर में से किससे आपको लॉग इन करना है, कौन किस तरीके का यूजर है एज ए सिस डीबीए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ तो अब हम देखेंगे कि इसमें से हमारा जो स्कॉट यूजर है उससे हम कैसे लॉग इन लेते हैं, या कोई नया यूजर हमें बनाना हुआ तो उसको कैसे बनाते हैं, देन उसको कैसे प्रिविलेजेस देते हैं सो दैट कि वो वर्क कर सके उसी के अकॉर्डिंग, और जो हमने प्रिविलेजेस दिया उससे ज्यादा कुछ वर्क नहीं कर सकता वो। अगर मैंने उसको प्रोसीजर क्रिएट करने का परमिशन दिया तो वो प्रोसीजर क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। अगर ट्रिगर क्रिएट करने का परमिशन दिया तो ट्रिगर क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। कनेक्टेड इट मींस ये यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस को पता है कि जैसे ही आपको यूजर नेम पासवर्ड देते हो, डेटा डिक्शनरी के अंदर इंटरनली हर एक यूजर का पासवर्ड मेंटेन होता है, और वो पासवर्ड इंक्रिप्टेड होता है, इवेंट सिस यूजर भी उस पासवर्ड को नहीं देख सकता। हां, सिस यूजर के पास इतनी परमिशन पावर होती है कि वो उस यूजर के पासवर्ड को चेंज करके लॉग इन ले ले, अगर उसको पासवर्ड नहीं पता है तो, ठीक है। लेकिन पासवर्ड किसी को नहीं दिखती है बाय डिफॉल्ट। तो यहां पे जब स्कॉट यूजर, स्कॉट और टाइगर का हमने लॉग इन दिया, तो इसकी ऑथेंटिकेशन जो होती है वो डेटा डिक्शनरी के अंदर जो टेबल मेंटेन हो रहा है, जो अभी हमने देखा डीबी अंडरस्कोर टेबल्स, डीबी अंडरस्कोर यूजर्स, उसके अंदर उसके पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, और जो हमने पासवर्ड दिया यहां पे टाइगर, इस वर्ड को उसने मैच करा, उस वर्ड को उसने मैच करा। लेकिन जब एक सिस डीबीए लॉग इन लेता है तो उसके पासवर्ड की इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर नहीं होती है, उसके पासवर्ड की इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर नहीं होती है, उसकी पासवर्ड की इंफॉर्मेशन एक फाइल के अंदर स्टोर की जाती है, जिसको हम बोलते हैं पासवर्ड फाइल, जिसको हम बोलते हैं पासवर्ड फाइल, ठीक है। तो जितने भी सिस डीबीए होंगे डेटाबेस के अंदर, जितने भी सिस डीबीए होते हैं उनकी एंट्री पासवर्ड फाइल के अंदर होती है, एंड जो भी नॉर्मल यूजर होते हैं उनकी एंट्री डेटाबेस डिक्शनरी के अंदर स्टोर रहती है, क्लियर है। नाउ अब एज यूजुअल अगर आपने एसक्यूएल वगैरह पढ़ा है
है ना, नॉलेज है, तो यहां पे आप क्या करते हैं, हम सिंपली वो कमांड्स रन करते हैं जो सेलेक्ट स्टेटमेंट के होते हैं, ठीक है। हमारे पास DDL कमांड्स होते हैं, DML कमांड्स होते हैं, DCL कमांड्स होते हैं, TCL कमांड्स होते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे यूजर्स हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि एक नया यूजर हम बनाएंगे और उसको कुछ परमिशंस देंगे, और कौन कौन से परमिशंस होते हैं और किस किस तरीके के प्रिविलेजेस होते हैं, यानी कि सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेजेस, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेजेस। यानी कि सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने से पहले आपको इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि कोई भी यूजर डेटाबेस में आप बनाएंगे तो उस यूजर की जो प्रोफाइल है, जो रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग DBA उसको परमिशन देता है वर्क करने के लिए, ठीक है। नाउ तो डेटा यूजर क्रिएशन एक नॉर्मल यूजर का एक्टिविटी नहीं होता है, यह DBA एक्टिविटी कहलाता है। यूजर क्रिएशन एक DBA एक्टिविटी कहलाता है, इट मींस कि आपको एज ए सिस DBA लॉगिन लेना होगा, ठीक है। नाउ और यहां पे हम एक यूजर बनाएंगे, ठीक है, हमने यहां एक कमांड दिया क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर, यूजर नेम ड्यूकेट, आइडेंटिफाइड बाय, आइडेंटिफाइड बाय में हम पासवर्ड स्पेसिफाई करते हैं कि आपका पासवर्ड क्या होगा, ठीक है। आइडेंटिफाइड बाय, हमने एक पासवर्ड दिया, देन नाउ अब हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बनाता है, ठीक है। यूजर जैसे ही बनता है तो यूजर को कोटा भी स्पेसिफाई किया जाता है, यूजर को कोटा भी दिया जाता है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हम करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर जब यूजर बनाता है तो हर एक यूजर को एक कोटा मिलती है। कोटा मींस परमिशन कि कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, क्या क्या कर सकता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। सिमिलरली तो जब हम यूजर यहां पे डेटाबेस में बनाते हैं तो हमें स्पेसिफाई करना होता है कि ये यूजर लॉग इन करके टेबल्स बनाएगा, प्रोसीजर्स बनाएगा, फंक्शंस बनाएगा, ट्रिगर्स बनाएगा, व्यूज बनाएगा, सीक्वेंस बनाएगा, तो आखिर ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, कहीं ना कहीं स्टोर होगा, और जहां पे भी स्टोर होगा वहां पे वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। ये यूजर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बनाता है वो ऑब्जेक्ट कितना साइज ऑक्यूपाई कर सकता है मैक्सिमम, उसको बोलते हैं कोटा। नाउ तो जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ड्राइव होते हैं ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, डेटा स्टोर करने के लिए, सिमिलरली हमारे डेटाबेस के अंदर भी उसी तरीके का ड्राइव होता है यहां पे, लेकिन उस ड्राइव को हम यहां ड्राइव ना बोल के टेबल स्पेस बोलते हैं। टेबल स्पेस, जहां पे आप टेबल को स्टोर कर सकते हो उसको बोलते हैं टेबल स्पेस। और ये टेबल स्पेस बाय डिफॉल्ट हमारे पास ओरेकल जैसे ही इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारे मिल जाते हैं हमें, कुछ टेबल स्पेस बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको सी बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है, और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर बहुत सारे अलग अलग ड्राइव्स बनाना शुरू कर देते हो। सिमिलरली हम भी यहां पे वही कर सकते हैं, यानी कि हमें जो प्री डिफाइंड कुछ टेबल स्पेस बनाकर दिए गए हैं उसका भी यूज कर सकते हैं, प्लस एज ए DBA आप अलग अलग टेबल स्पेस अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए बना सकते हो। अकाउंट सेक्शन का डेटा स्टोर करना है, अकाउंट नाम का टेबल स्पेस बना लो। HR सेक्शन का डेटा स्टोर करना है, आप HR नाम का टेबल स्पेस बना लो, है ना। हम हर एक ड्राइव का नाम देते हैं ना, मूवी का ड्राइव है मेरा, MP3 का ड्राइव है, सॉफ्टवेयर का ड्राइव है, कॉलेज का ड्राइव है, हर एक के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करते हैं। तो सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करने के लिए हम यहां पे डिफरेंट डिफरेंट टेबल स्पेस भी क्रिएट करते हैं। तो हम यहां देखेंगे हमारे पास जो प्री डिफाइंड टेबल स्पेस है उसमें से एक टेबल स्पेस का नाम है यूजर्स, टेबल स्पेस का नाम है यूजर्स। यूजर्स मींस नॉर्मल यूजर्स के जो भी डेटा है वो स्टोर करने के लिए बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो उस टेबल स्पेस को हम यहां पे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है।
हमने दिया कोटा कोटा 2M ऑन यूजर्स, 2M मींस 2MB, B यहां पे रिप्रेजेंट नहीं होता है, M रिप्रेजेंट्स MB, तो 2M ऑन MB यानी कि हमने 2MB डेटा स्टोर करने का परमिशन दिया कहां पे, यूजर्स नाम के टेबल स्पेस के अंदर। इट मींस कि ये यूजर लॉग इन करके डेटाबेस में अप टू 2MB डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। नाउ सेमीकोलन एंटरप्रेस कीजिए, यूजर क्रिएटेड। नाउ अब देखते हैं कि यूजर क्रिएट हो गया तो ये लॉग इन करके हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। हमने पासवर्ड किया ना, यूजर क्रिएट यूजर, यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय, यस वो ड्यूकेट नाम से ही आइडेंटिफाइड होगा या जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें यहां पे। सीओ डबल एन कनेक्ट ड्यूकेट स्लैश उसका पासवर्ड ड्यूकेट, एंटरप्रेस किया, आपको क्या मैसेज मिल रहा है, यूजर ड्यूकेट लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेज। इट मींस यूजर क्रिएट होने के बावजूद भी आप डेटाबेस में एंट्री नहीं ले सकते अभी, क्योंकि हमने जैसे ही पहले आपको बताया कि डेटाबेस में कोई भी यूजर प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है कि उसको क्या प्रिविलेज मिला हुआ है, उसी प्रिविलेज के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, इवन लॉग इन भी, इवन लॉग इन भी। तो हम जब प्रिविलेजेस की बात करते हैं तो दो तरीके का प्रिविलेजेस होता है हमारे पास, एक सिस्टम प्रिविलेज और दूसरा ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। सिस्टम प्रिविलेज का मतलब होता है कि आप डेटाबेस के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, आप डेटाबेस के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हो डायरेक्ट वे में। लॉगिन लिया और आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट किया, लेट अस सपोज व्यूज क्रिएट किया, प्रोसीजर क्रिएट किया, फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारा कि हमने प्रिविलेज हमारे पास क्या है, तो ये कहलाता है सिस्टम प्रिविलेज। दूसरा ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, ऑब्जेक्ट इट मींस कि डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट होगा, बना हुआ होगा, किसी यूजर के अंदर होगा और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस यूजर को क्या परमिशन है। जैसे स्कॉट के अंदर, स्कॉट के अंदर ईएमपी नाम का टेबल मिलता है आपको, स्कॉट यूजर से लॉग इन करते हैं तो ईएमपी नाम का एक यूजर मिलता है हमें, सॉरी ईएमपी नाम का टेबल मिलता है। तो क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस ड्यूकेट को सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट करने का परमिशन है या नहीं है, यह ऑब्जेक्ट प्रिविलेज कहलाती है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप किसी को परमिशन दे रहे हो जो डेटाबेस में ऑलरेडी डिफाइन है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बारी आती है तो वहां पे आ जाती है हमारी सिस्टम प्रिविलेज, ठीक है। तो हम यहां पे कुछ सिस्टम प्रिविलेजेस पहले देंगे इवन, ताकि ये लॉग इन कर सके और एक टेबल क्रिएट कर सके, ठीक है। फिर देखेंगे कि हमारा वो टेबल गया कहां, कहां स्टोर हुआ, जो हमने टेबल स्पेस दिया था वहां स्टोर हुआ या कहां पे गया, ठीक है। नाउ यहां पे हमारा आता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स, ग्रांट एंड रिवोक, ग्रांट सेशन टेबल टू ड्यूकेट। हमने दिया ग्रांट क्रिएट सेशन क्रिएट टेबल टू ड्यूकेट, इट मीन्स कि वो लॉग इन कर सके एंड लॉग इन करके टेबल क्रिएट कर सके, ठीक है। ग्रांट सक्सेस, नाउ लॉग इन कीजिए आप। लॉग इन है, इस बार लॉग इन हो गया। नाउ अब हम क्रिएट टेबल करके देखते हैं यहां पे। टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। नाउ अब हम देखें कि ये टेबल गया कहां आखिर। हमने क्या दिया था इसको परमिशन, इस ड्यूकेट यूजर को क्या परमिशन दिया था कि 2MB डेटा यूजर्स नाम के टेबल स्पेस पे ये स्टोर कर सकता है। इट मींस कि ये जो भी कुछ करेगा वो सब यूजर्स टेबल स्पेस से जाएगा, ठीक है। नाउ हर एक यूजर के ऑब्जेक्ट्स की एंट्री होती है, जब भी आप डेटाबेस में किसी यूजर से लॉग इन करते हो और आप जो भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो
उन ऑब्जेक्ट्स की एक एंट्री होती है और जो कि डेटाबेस अपने टेबल में मेंटेन करती है, और उसमें से टेबल्स, जितने भी टेबल्स आप बनाते हैं उसकी एंट्री यूजर अंडरस्कोर टेबल्स के अंदर मेंटेन होती है, और यूजर अंडरस्कोर टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई टेबल किस टेबल स्पेस में स्टोर्ड है। ठीक है, तो हम एक क्वेरी रन करेंगे यहां पे। हमने दिया सेलेक्ट टेबल स्पेस नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स वेयर टेबल नेम इक्वल टू T1। ठीक है, एंटर। क्या मिला आपको? यूजर्स। इट मींस कि हम ये समझ सकते हैं कि हम जो भी ये यूजर, जो भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? यूजर्स नाम के टेबल स्पेस में जाएगा, और वहां पे कितना MB डेटा स्टोर कर सकता है? ये 2 MB डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, प्रिविलेजेस वगैरह स्टोर करते हैं, प्रिविलेजेस वगैरह ग्रांट करते हैं। नाउ अब देखते हैं कि क्या ये यूजर स्कॉट के किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। आपने दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। आपको पता है कि स्कॉट के अंदर EMP नाम का यूजर है। ठीक है, बट आपको यहां पे क्या इंफॉर्मेशन, क्या एरर मैसेज मिल रहा है? टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इट मींस कि जब बाय डिफॉल्ट आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP देते हो तो ओरेकल उस ऑब्जेक्ट को आपके सेशन के अंदर सर्च करता है, आपके सेशन के अंदर सर्च करता है। इट मींस कि ड्यूकेट के अंदर वो सर्च कर रहा है कि EMP नाम का क्या ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्वियसली हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है EMP नाम से यूजर ड्यूकेट के अंदर, तो यहां पर आपको एरर मैसेज दे रहा है टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। Now, अब अगर हम इस तरीके से देते हैं कि स्कॉट डॉट EMP, इट मींस कि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे स्कॉट के EMP टेबल को क्या करना है, एक्सेस करना है। नाउ एंटर किया आपने, फिर भी आपको मैसेज मिल रहा है क्या? टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं, क्यों दिखा रहा है? प्रिविलेज नहीं है, सिंपल सा। किस टाइप का प्रिविलेज? ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। ठीक है, नाउ तो एज ए SysDB लॉग इन करें, हम इसको ऑब्जेक्ट प्रिविलेज देते हैं। ग्रांट सक्सेस। Now, अब हमारा ये कमांड क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया, हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है किसी भी यूजर्स का, यूजर्स के थ्रू जो भी हम प्रिविलेजेस वगैरह स्पेसिफाई करते हो आप, जो प्रिविलेजेस यूजर्स को मिला हुआ होगा वही एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है। इवन अगर ये यूजर चाहेगा कि हाँ हमें व्यू क्रिएट कर लूं, तो व्यू क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको व्यू क्रिएट करने का परमिशन नहीं है। प्रोसीजर क्रिएट करना चाहता है, प्रोसीजर नहीं क्रिएट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको परमिशन नहीं है। ठीक है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रिविलेजेस। डेटाबेस में कोई भी यूजर अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे हम लेते हैं ट्रिगर की बात करते हैं। ट्रिगर किस लिए यूज किया जाता है? किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर हमारा रन होने वाला प्रोग्राम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर रन होने वाला प्रोग्राम। ठीक है, नाउ क्या इवेंट है कि नॉर्मल यूजर परफॉर्म कर सकता है किसी टेबल के अंदर?